बैक टू माई चैनल विद अनदर वीडियो। थोड़ी सी आवाज़ की डिस्टर्बेंस रहेगी तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे बेयर कर लेना। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आप यहाँ पे यूलू बाइक यूज़ कर सकते हो और यूलू बाइक की ऐप है उसके आप थ्रू कम्यूट कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि यूलू बाइक जो है वो थोड़ी आपको कॉस्टली पड़ती है, 2 रुपये पर मिनट पड़ता है। तो अगर आप 1 घंटे की राइड कर रहे हो तो उसमें आपको लगभग 126-130 रुपये लग जाएंगे। और जैसा कि आप सामने देख सकते हो मेरे, वो सामने मेट्रो स्टेशन है, तो यहाँ पर आप मेट्रो के लिए कम्यूट करो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आप मेट्रो ले रहे हो यहाँ से, अभी मेट्रो की ज़्यादा लाइंस बनी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइंस है मेट्रो की। और ये देखो मेरे सामने ये विक्टर और ये स्पोर्ट्स की दुकान आ गई है। अभी मेरा यहाँ पर एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अटेंड कर रहा हूँ, तो आज मैं आपको बताऊँगा मेट्रो कैसे यूज़ करनी है। और मेट्रो की 2 लाइन्स हैं यहाँ पे, ग्रीन और पर्पल लाइन, जो कि मेजर और एक अच्छे डेस्टिनेशन पे आपको पहुँचा देती है और बड़ी चीपर कॉस्ट पे पहुँचाती है। तो मेट्रो को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप मेट्रो की एक नमो ऐप आती है वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वो आप डाउनलोड कर लो। और नमो ऐप अगर आप कर रहे हो 15 से 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको सिर्फ 40 से 45 रुपए लगेंगे। और वो सामने आप देख रहे हो मेट्रो स्टेशन है, और मेट्रो का एक जैसा कि दिल्ली मेट्रो है वैसा ही सेम आपको इसका प्रोसीजर फॉलो करना है। एक आप कार्ड ले सकते हो या फिर टोकन से भी आप कर सकते हो, तो मैंने तो कार्ड बनवा लिया है और एक्सेस मिल जाता है उसके बाद आपको। और ये बिल्कुल दिल्ली जैसे ही है, दिल्ली जैसी वाइट नहीं है। अभी इसका फेज़ 2 फेज़ 3 बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जल्दी से देख लेते हैं मेट्रो की जो वर्किंग है और जो प्रोसीजर है जो क्या है वो देख लेते हैं, वो समझ लेते हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी और अच्छा कम्यूटेबल वे लगा। अगर आप बेंगलोर में हो तो राइट नाउ मुझे जाना है वीवीपुरम, वीवीपुरम की फूड स्ट्रीट एक्सप्लोर करूँगा। राइट नाउ ये स्टेशन है राजा राजेश्वरी नगर, तो वीवीपुरम में बहुत अच्छी एक फूड स्ट्रीट है, वो वाली फूड स्ट्रीट में आपको कवर करूँगा आज और उसकी वीडियो बना के दिखाऊँगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज अभी ये मेट्रो का व्लॉग आप इन्जॉय करो। और अगर आप कहीं भी अदर कंट्री में हो या कहीं आपको लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है तो गाइस आप, वैसे तो यहाँ पे इंग्लिश में भी हर चीज़ प्रोवाइडेड है, अगर आपको लैंग्वेज की दिक्कत आती है तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट का यूज़ बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है यहाँ पे। और देख सकते हो आप बहुत ही ज़बरदस्त मेट्रो स्टेशन है, सिंपल दिल्ली मेट्रो की तरह ही यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और वैसे ही कार्ड बन जाते हैं, सब कुछ बन जाता है, और बिल्कुल टिकट्स है। यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज की दिक्कत आती है, तो नीचे वैसे इंग्लिश में लिखा होता है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके पढ़ सकते हैं कि कहाँ जाना है। और नमो ऐप डाउनलोड करके आपको उसमें मैप मिल जाएगा और कौन से डेस्टिनेशन पे आपने जाना है वहाँ का फेयर मिल जाएगा, तो आप वो डाउनलोड करो। और नमो ऐप इज़ द बेस्ट ऐप, ऑफिशियल ऐप है, वो डाउनलोड करो और अपने डेस्टिनेशन पे जाओ। तो अभी मुझे जाना है वीवीपुरम और उसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है मैं अभी आपको बता देता हूँ ऐप में चेक करके। और लेट्स गेट इन टू द मेट्रो। ये है मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे हर स्टेशन पे आपको कार्ड बनाने की फैसिलिटी मिलेगी, आपको टोकन लेना होता है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ अगर आपने दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया है। बस यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का दिक्कत रहता है, सो मैं ज़रा चेक इन करा लूँ यहाँ पे। चेक इन कराने के बाद आपको बताता हूँ कि मैप में देख के मुझे कहाँ जाना है, तो चेक इन कराता हूँ। तो क्या सेम एज इट इज़ मेरा इसमें नमो वाला कार्ड है, और आप इसको ऐसे ईजिली रख के यहाँ पर बैलेंस आ जाता है और आप यहाँ से निकल जाओगे। तो ये है, अब मुझे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1, और यहाँ देखो आपको लैंग्वेज की थोड़ी सी दिक्कत आएगी, प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, तो मुझे जाना प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और आज मैं कवर करूँगा वीवीपुरम की
कौन सी स्ट्रीट है, बीबीपुरम की फूड स्ट्रीट है, बहुत फेमस है यहाँ पे, तो देख लेते हैं वहाँ पे क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये चल पड़े हैं एस्केलेटर्स और बिल्कुल सेम एज इट इज़ है यहाँ पर दिल्ली मेट्रो की तरह, और ये भी 5-5 मिनट के बाद आती है। और अभी लॉकडाउन के बाद यहाँ पर थोड़ी सी इसकी सर्विसेज को और बढ़ा दिया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लाइन चेंज करनी है पर्पल लाइन से ग्रीन लाइन, मजेस्टिक वाले उस वहाँ पर उतरना है, तो जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या होगा और कैसे होता है। तो लेट्स सी, ये है राजा राजेश्वरी का स्टेशन, फर्स्ट प्रेफरेंस होती है लेडीज़ को और उसके बाद होती है सबको, मतलब उसमें लेडीज़ भी आ जाती है। मेट्रो तो जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन सी ऐप डाउनलोड करी है। ये है, यहाँ आपको मिल जाएगी, ये है गाइस गूगल ट्रांसलेट, इस पर इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप कोई फ़ोटो खींचना चाहते हो तो ये आप यहाँ से कन्वर्सेशन करके कैमरा से आप फ़ोटो खींच सकते हो। ये है नमो मेट्रो ऐप, और मेट्रो ऐप खोलने के बाद आपको यहाँ मिल जाएंगे कुछ ऐसे फेयर कैलकुलेशन टाइम टेबल, आप मैप खोल के देख सकते हो। मुझे यहाँ मजेस्टिक पे जाना है, वहाँ से मुझे चेंज करनी है, नेशनल कॉलेज जाना है, और नेशनल कॉलेज वाली है ये, और ये आ गई है हमारी मेट्रो। यहाँ डेस्टिनेशंस आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि ऊपर जो लिखा होता है, ऊपर जो स्क्रीन चल रही होती है उसमें एक अराइविंग डेस्टिनेशन लिखा होता है, और जहाँ ट्रेन अपने एंड डेस्टिनेशन होता है वहाँ का भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा सब कुछ। तो गाइस मेरे को जाना है सिल्क इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैं आपको अगला व्लॉग दिखाने वाला हूँ वीवीपुरम का, और जो कि होने वाला है बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार फूड स्ट्रीट होने वाला, बहुत ही, मेरे तो अभी मुंह में पानी आ रहा है। सिल्क इंस्टीट्यूट है, यहाँ से मुझे ग्रीन लाइन के लिए चेंज करना है। ये मेट्रो की मैप ही होता है, आप नमो मैप पे आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो यहाँ से अब मुझे 4th नंबर प्लेटफॉर्म से जाना है। और आ जाएगी अभी ट्रेन। तो मेट्रो वैसे तो बहुत ही इजी है यूज़ करने के लिए, सबके लिए बहुत ही कन्वीनियंट बनाई गई है बेंगलोर सरकार द्वारा, और बड़ा मज़ा आता है इसको यूज़ करके। आप भी यूज़ करिए और मेरा ये व्लॉग देखते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं आपको बाहर निकल के यहाँ से ज़रा बताता हूँ। गाइस ये है ग्रीन लाइन, और ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन ही चलती है यहाँ पे, दो ही लाइनें हैं अभी। फेज़ 2 और फेज़ 3 का जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है। तो अभी मुझे जाना नेशनल कॉलेज, इसलिए मैंने लाइन चेंज की है। तो आप बने रहो मेरे साथ इस पूरे व्लॉग में। जर्नी कंप्लीट करने के बाद तो गाइस आपको एग्ज़िट गेट से निकलना होता है। आप देख लीजिए आपको कौन से नंबर प्लेटफॉर्म से आपको एग्ज़िट करना है, तो आप वहां से एग्ज़िट कर लीजिए। नेशनल कॉलेज साइड की तरफ को एग्ज़िट ऊपर से होगा। वर्ल्ड सिल्क इंस्टीट्यूट और नेशनल कॉलेज की तरफ से एग्ज़िट यहाँ से होगा। दीज आर एग्जिट गेट्स, और ये पैसे लगे हैं, और ये आपको बता देता है सब कुछ, और आपकी जर्नी परफॉर्म हो गई है, और मज़ेदार जर्नी थी यहाँ की ये। और मेट्रो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और कन्वीनियंट टू यूज़ है, दिल्ली मेट्रो में अगर आप यूज़ करिए तो आपको यहाँ पर आके कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हो, मेट्रो यूज़ करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मेरा ये ब्लॉग देख सकते हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। तो अभी मैं जा रहा हूँ वीवीपुरम की स्ट्रीट एक्सप्लोर करने, और जो भी फूड स्ट्रीट है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, और फिर मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सायोनारा, जय हिंद।